हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। प्रश्न नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। इसमें दिया है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ये हमारा एक सरसम का है, उसी का प्रसारित रूप दिया है। इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है, मतलब इसको हम उसके रूप में लिखना है किसका है, सहसंख्या का है प्रसार। इसमें हमें x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx कि किसका सहसंख्या है, x + y + z का स्क्वायर का सरसंख्या है। यह इसके प्रसारित रूप में दिया है, हमको इस रूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x² या प्लस इसको क्या लिखेंगे, 3y² प्लस इसको क्या लिखेंगे, 4z² + 2x का वैल्यू 2x, वाई का वैल्यू 3y + 2yz दिया है, तो वाई का वैल्यू 3y और जेड का वैल्यू 4z + 2zx। इसका हमारा हो जाएगा 4z और x का हो जाएगा 2x। यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे भी माइनस आया है। इसमें माइनस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि दोनों माइनस में हमारा क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जेड इसमें भी आ रहा है, जेड इसमें भी आ रहा है, तो हम जहाँ इसमें जेड दिखाई देगा वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे जेड दिखाई दिया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इधर देखेंगे यहाँ 4z है, यहाँ पे लगा देंगे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिखने के लिए हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 2x है प्लस यहाँ पे 3y है और यहाँ माइनस का 4z है, तो माइनस का हमारा 4z का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा इस सरसंख्या का जो प्रसार दिया था, इसी का हमारा विस्तृत रूप था, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz दिया है। इसको हमें सरसंख्या पे विस्तृत रूप दिया है, इसको हम इसका हम लिखेंगे √2x² √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे x² हो जाएगा, तभी हमारा क्या होगा, 2x² होगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, प्लस y का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा y² ही आएगा। यहाँ देखेंगे प्लस 8z² है, 8 को हम देखिएगा एक बार ऐसे लिख सकते हैं, 8 का हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 का स्क्वायर 4 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, तो 2 × 4 = 8 आएगा। तो हम 8 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 2√2z² -
प्लस यहाँ पर रहेगा प्लस टू एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई का हमारा क्या होगा अंडर रूट टू एक्स, और वाई का हमारा होगा वाई प्लस टू वाई जेड होता है, तो वाई का वाई हो जाएगा और जेड का हमारा टू अंडर रूट टू जेड होगा प्लस का टू एक्स जेड है, एक्स का वैल्यू अंडर टू एक्स और जेड का वैल्यू हमारा है टू अंडर रूट टू जेड, टू अंडर रूट टू जेड हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, माइनस में हमारा कॉमन एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी एक्स है, तो हम यहाँ जहाँ जहाँ इसमें एक्स दिखाई देगा वहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे एक्स माइनस इसको लगाएंगे, एक्स यहाँ पे है तो इधर देखेंगे यहाँ पे एक्स है यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ देखेंगे इधर यहाँ पे एक्स है यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे हमारे एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस का अंडर रूट टू एक्स प्लस, यहाँ पे हमारा वाई मिल गया और यहाँ पे हमारा प्लस टू अंडर रूट टू जेड, इसका स्क्वायर हो गया, यही हमारा क्या होगा इसका क्लोज रूप होगा। इस क्वेश्चन हल करेंगे प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यहाँ पे हमें अब क्या करना है प्रसार करना है इसका, इसका प्रसार करने के लिए हम इसका एक सरसंख्या है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इसी पे हम क्या करेंगे इसका प्रसार करेंगे, तो हमारा एक्स का वैल्यू है टू एक्स, वाई का वैल्यू है हमारा वन, तो हम इसका प्रसार करेंगे टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब का, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब की जगह पे टू एक्स का क्यूब प्लस वाई की जगह पे हम रखेंगे एक का क्यू प्लस थ्री एक्स का वैल्यू हमारा टू एक्स दिया है टू एक्स लिखेंगे और वाई का वैल्यू हमारा दिया है एक एक लिखेंगे ब्रैकेट में, एक्स का वैल्यू हमारा टू एक्स दिया है और वाई का वैल्यू हमारा एक दिया है, इसको हल करेंगे हमारा दो एक्स का क्यू है ना, तो दो का होगा आठ एक्स क्यू, यहाँ पे प्लस एक का क्यूब एक होगा, यहाँ पे प्लस तीन दुना के छः एक में छः छः एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा दिया है टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन लिख लेंगे, इसको हल करेंगे एट एक्स क्यूब प्लस वन प्लस छः का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा और छः एक्स का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा छः दुना के 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस छः का एक में गुणा करेंगे प्लस का 6 एक्स हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा इसका प्रसारित रूप होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया है इसका फार्मूला होगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इजकल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वाई, इस पर हम इसका क्या करेंगे प्रसार करेंगे, यहाँ पे हमारा एक्स का वैल्यू है टू ए और वाई का वैल्यू होगा हमारा थ्री बी,
इसको तो हल करेंगे हम, 2a-3b का होल क्यूब इक्वल टू 2a³ - y का वैल्यू 3b³ - 3x का वैल्यू 2a, y का वैल्यू 3b, x का वैल्यू 2a - y का वैल्यू 3b। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब हो जाएगा या -3 का क्यूब 27, बी का क्यूब हो जाएगा -3 दूना के 6, 6 त्रि 18, 18 ab हो जाएगा। ये ब्रैकेट में हमारा है 2a-3b। अब फिर हल करेंगे इसको, 8a³ - 27b³ - 18 दूना के 36, 36 a का a में गुणा होगा स्क्वायर, b होगा या माइनस है, यहाँ माइनस 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 का गुणा होगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, 18 त्रिके 54, एक ए और बी का बी में होगा मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रसारित रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, 3/2x+1 का क्यूब है, इसका हम इसी सरसंख्या पे हल करेंगे। तो यहाँ एक्स का वैल्यू हमारा दिया है 3/2x और वाई का वैल्यू हमारा 1 दिया है, तो हल करेंगे हम, 3/2x+1 का क्यूब इज इक्वल टू, हमारा एक्स का वैल्यू 3/2x दिया है, 3/2x का क्यूब हो जाएगा प्लस वाई का वैल्यू हमारा 1 दिया है, 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3x का वैल्यू हमारा दिया है 3/2x और वाई का वैल्यू 1 दिया है। अब ब्रैकेट में एक्स का वैल्यू 3/2x+y का वैल्यू 1 दिया है। हल करेंगे इसका, हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27/8x³, इसका 1 का क्यूब 1 होता है प्लस, इसका हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई होगा 3 त्रिके 9/2, एक का में इतना ही होगा और एक्स यहाँ पे हमारा है 3/2x+1, यहाँ पे हमारा होगा 27/8x³+1+, या 9/2x से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/2x का, तो हमारा 9 3 27 और 2 दूना के 4x का इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा प्लस का 9/2x, यही हमारा क्या होगा, इसका विस्तृत रूप होगा, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू होगा हमारा एक्स, वाई का वैल्यू होगा 2/3y, तो हल करेंगे इसको हम इस सरसंख्या पे विस्तार करेंगे इसका, तो हमारा हो जाएगा x³ - y का हम वैल्यू रखेंगे 2/3y³ हो जाएगा -3x का वैल्यू x दिया है, y का वैल्यू 2/3y, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स का वैल्यू हमारा एक्स माइनस वाई का वैल्यू 2/3y, इसको हल करेंगे एक्स क्यूब होगा माइनस इसका होगा 2 का क्यूब 8 और 3 का 27, वाई क्यों हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होगा हमारा मल्टीप्लाई तो हमारा 3 दूना के
बटा 3x y होगा, हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में बचा है x-2/3y। इसको हल करेंगे, ax³-8/27y³ आएगा, माइनस हमारा 6/3 का एक्स में गुणा होगा तो 6/3x का एक्स में होगा x²y हो जाएगा, माइनस है माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 6/3 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 और 3 3 के 9, एक्स और वाई का वाई में गुणा होगा y² हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ कट रहा है, x³-8/27y³-3 दूना के 6, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x²y, यहाँ प्लस, यहाँ पे हमारा छोटा हो रहा है, 3 चौक को 12, 3 3 के 9, तो हमारा यहाँ पे हो रहा है 4/3x², यही हमारा इसका विस्तृत रूप होगा।